नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर चाहे जो भी दावे कर ले, लेकिन बुनियादी स्तर पर कच्छ सरकारी विद्यालय पूरी तरह से बीमार हो चुकी है, जिसके वजह से बदहाली सुधारने की जगह दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसका ज्वलंत उदाहरण मध्य विद्यालय अयोध्या कहाँ है, जहां विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों ने स्कूल की बदहाल व्यवस्था के विरुद्ध जमकर अपनी अपनी भड़ास निकाली। बैठक की अध्यक्षता पार्षद हरेराम पंडित एवं संचालन सचिव रीमा कुमारी, प्रतिनिधि राकेश रोशन ने किया। विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों ने बताया कि बिना सूचना के शिक्षक गायब रहते हैं, इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। SM एवं शिक्षकों के बीच बराबर कलह जारी रखता है, जिससे विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रहे हैं। बैठक में भूमिदाता ने विद्यालय प्रधानाध्यापक सहित अन्य शिक्षकों को विद्यालय की व्यवस्था सुधार करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को कायम करने के लिए नसीहत देते हुए कहा कि 3 वर्ष से विद्यालय की स्थिति दिनों दिन बदहाली की ओर चली जा रही है। शिक्षक कब विद्यालय आते हैं और कब चले जाते हैं, विद्यालय की प्रगति में अदूरदर्शिता, लापरवाही और अनुशासनहीनता के कारण विद्यालय व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे पूर्व जो भी प्रधानाध्यापक थे, उनके द्वारा विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर 2021 को जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में विद्यालय प्रधान सहित सभी शिक्षकों से 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसमें विद्यालय के समय सारणी में प्रधानाध्यापक का नाम अंकित नहीं होना, मात्र एक शिक्षक राजेश कुमार रोशन को छोड़कर प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक नियमित पाठ टीम का संधारण नहीं कर पाने, विद्यालय के बच्चे के खेल गतिविधि से वंचित रहने आदि स्पष्टीकरण में शामिल किया गया था। ज्ञात हो कि कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय में स्कूल कुल 415 बच्चे नामांकित हैं और 9 टीचर कार्यरत हैं। बैठक में शत्रुघ्न सिंह, साहिल सौंडिल, गुंजन कुमार, सरिता कुमारी, नूतन कुमारी एवं उर्मिला कुमारी सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। तेघर से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।